गुड आफ्टरनून क्लास नाउ वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर ऑन पेज फिफ्टी वन दैट इज रीजन ऑफ सेपरेशन रिजन्स ऑफ सेपरेशन मतलब कि हमें सेपरेशन करने की क्यों जरूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ देर आर मेनी एग्जैम्पल्स दैट वील बी स्टडी एंड सेपरेशन मतलब किसी चीज़ को अलग अलग करना फर्स्ट वन इज़ टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स मतलब कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए या फिर कोई चीज़ अगर हार्मफुल है हार्मफुल मतलब कि आपकी बॉडी कंज़म्पशन के लिए अच्छी नहीं है तो uh, टू रिमूव दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स हम सेपरेशन करते हैं लाइक स्टोन्स फ्रॉम पल्सिस इफ यू सी दिस पिक्चर पल्सिस मतलब दाल uh, या फिर इवन इन द केस ऑफ राइस हम उससे पत्थर अलग अलग निकालते हैं कुछ छिलके जैसे होते हैं दो हस्क तो उनको रिमूव करते हैं बिकॉज वो हमारे लिए स्टोन्स आर हार्मुल एंड इम्प्योरिटीज हस्क एक इम्प्योरिटी की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं सो दिस इज द फर्स्ट रीजन नेक्स्ट रीजन इज टू ऑप्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स यूजफुल मतलब हमारे काम की चीजें ओपटेन पाने के लिए हम सेपरेशन का यूज करते हैं यहाँ पे हमने क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल लिया है क्रूड ऑयल इज अ अन इट्स एन फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम अनरिफाइंड मतलब उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीजें भी हैं उसको हम रिफाइन करते हैं मतलब कि फैक्ट्रीज में हम प्रोसेस करते हैं उससे अनवांटेड वॉन्टेड इम्प्योर खराब चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो हटाते हैं जिस जिसके बाद हमें यूजफुल चीजें मिलती है तो क्रूड ऑयल से हमें चार चीजें यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है क्या मिलता है दैट इज पेट्रोल डीजल वैसिलीन यू नो वैसिलन इज अ पेट्रोलियम जेली या फिर कैरोसिन ये सब मिलता है इसका रॉ फॉर्म अनरिफाइंड फॉर्म इज क्रूड ऑयल और इससे हमने जो यूजफुल कॉम्पोनेंट्स मिले वो होते हैं पेट्रोल कैरोसिन डीजल एंड वैसिलीन नेक्स्ट पार्ट इज टू ऑपटेन प्योर कॉम्पोनेंट्स प्योर मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है कोई भी अनवॉन्टेड चीजें नहीं है तो ये ज्यादातर केसेस में होता है प्योर मेटल्स प्योर मेटल हमें अभी अर्थ के अंदर से मेटल मिलता है लेकिन हमें इस फॉर्म में तो नहीं मिलता है और इस फॉर्म में भी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर तो गोल्ड और कॉपर हमें अर्थ के अंदर से ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं देर इज इट्स लाइक अ रॉक उसमें बहुत सारी अनवांटेड जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो भी मिली होती हैं तो हम फैक्ट्रीज में इसको प्रोसेस करते हैं एंड उसके बाद ये रिफाइंड फॉर्म्स मतलब कि ये फिनिश्ड जो गुड्स होते हैं हमें ये मिलते हैं सो दीज फॉर्म्स जो कि हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं जिसमें अनवांटेड चीजें भी होती हैं जो हम सेपरेट करते हैं तो so, ये वाले फॉर्म को बोलते हैं ओर दिस इज एन ओर ऑफ गोल्ड दिस इज एन ओर ऑफ कॉपर नेक्स्ट पार्ट इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन अब हम कोई मेथड मेथड मतलब तरीका कोई चीज सेपरेट करने का कैसे चूज करते हैं इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर मतलब कि जो कंपोनेंट्स से बना होता है हर एक मिक्सचर सब अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम डिसाइड करते हैं कि क्या मेथड क्या तरीका हम चूज करेंगे जिससे कि हम ये सेपरेशन uh, का प्रोसेस स्टार्ट uh, करेंगे नाउ अभी हम पढ़ेंगे अबाउट सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड मतलब एक कोई सॉलिड है उससे हम दूसरा सॉलिड जो कि हमें शायद नहीं चाहिए या फिर कोई यूजफुल चीज है तो वो किस बेसिस पे हम uh, निकालते हैं दैट इज वी सी द शेप साइज कलर मास मतलब वेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब कि उससे मैग्नेट मैग्नेट मतलब कि चुंबक अगर उसके साथ में चुंबक रखो तो वो कैसे बिहेव करता है एंड सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड्स मतलब कि वो लिक्विड में किस तरीके से मिक्स हो पाता है या नहीं हो पाता है उससे हम चूज करते हैं कि हम क्या प्रोसेस ऑफ सेपरेशन क्या मेथड तरीका ऑफ सेपरेशन फॉलो करेंगे नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग मतलब हमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें हैंड का मतलब हाथ का इन्वॉल्वमेंट है लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट पिकिंग सब्सटेंसेज बाय हैंड एंड सेपरेटिंग फ्रॉम अदर्स मतलब हम हाथ से उठाते हैं एक चीज और उसको जो हमारा सब्सटेंस है उससे सेपरेट करते हैं नेक्स्ट इज कॉम्पोनेन्ट्स टू बी सेपरेटेड आर बिग एंड ईजिली नोटिसेबल मतलब जो चीज हम अलग कर रहे होते हैं इनसे वो बड़े होते हैं और हमें आंख से नॉर्मली दिख जाते हैं नेक्स्ट इज अनवांटेड कंपोनेंट्स आर इन लेस क्वांटिटी मतलब जो चीज हमें उस सब्सटेंस में से नहीं चाहिए वो थोड़ी सी ही होती है एंड उसका साइज कलर शेप हमें जो एक्चुअली चीज चाहिए उससे अलग दिखने में समझ आता है टू अंडरस्टैंड कि हैंड पिकिंग क्या होता है लेट्स सी दिस एग्जाम्पल यहाँ पे ये आदमी दिस कैन बी इन केस ऑफ राइस और दाल लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो यहाँ से स्टोन सेपरेट कर रहा है नाउ स्टोन सेपरेट करने की क्या जरूरत है क्योंकि अगर हम ये खा लेंगे तो इट इज हार्मफुल फॉर आर हमारे लिए अच्छा नहीं है इट विल बी बैड फॉर आर स्टमक इन बॉडी इन जनरल और हम फर्स्ट uh, केस में स्टोन किया है इन दिस केस यू सी ये राइस जो होता है राइस इज लाइक अ सीड उसका एक छिलका होता है तो कई बार ऐसे टाइप के छिलके भी बीच में आ जाते हैं उसको भी हम ऐसे हैंड पिक करके सेपरेट करते हैं सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग नाउ विल शो यू अ वीडियो ऑफ हैंड पिकिंग इफ यू सी ओवर हियर ये लेडी uh, प्रॉबली uh, दाल एंड चावल के मिक्सचर से स्टोन्स को अलग कर रही हैं, सो दैट इज हाउ हैंड पिकिंग इज डन उन्होंने यहाँ पे स्टोन्स अलग कर लिए हैं सो दिस इज वन वे ऑफ सेपरेशन नाउ वील मूव ऑन टू आर नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन दैट इज थ्रेशिंग अब थ्रेशिंग क्या होता है लेट्स रीथ देशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग प्रोसेस मतलब एक ऐसा तरीका ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स मतलब की ग्रेन्स ग्रेन्स क्या होते हैं आपकी दाल चावल सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक हार्वेस्टेड स्टॉक मतलब की जो पक चुका है एंड उसको काट के हमने अलग कर दिया है खेतों से दैट इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग अब थ्रेशिंग के तीन तरीके होते हैं फर्स्ट वन इज मैन्यूली बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ हार्ड सर्फेस द ड्राइड ग्रेन्स कम आउट मतलब मैन्युअली बीटिंग मतलब ऐसे उठा के उसको पटकना ताकि जो स्टॉक होता है मतलब ऐसे गेहूं का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है तो अगर हम इसको जब ये ड्राई होने के बाद उठा के यहाँ पे पटकेंगे कोई हार्ड सर्फेस पे या फिर जमीन पे तो उससे जो ग्रेन्स uh, होते है जो इनके सीड्स होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे बिकॉज इट्स ऑल ड्राइड सो दिस इज फर्स्ट वे ऑफ थ्रेशिंग दैट इज मैनुअल बीटिंग नेक्स्ट वन इज ट्रैम्पलिंग द स्टॉक्स अंडर द फीट ऑफ एनिमल्स इफ यू सी दिस पिक्चर इसमें आप देखते हो कि ऐसे ही सूखे ग्रेन्स के ऊपर ये काउस uh, चल रहे हैं तो चल रहे हैं तो वाइल्ड दे आर वॉकिंग ऑन इट तो ये सारे पार्ट्स क्रश हो रहे हैं क्रश होके अगेन वो सीड्स बाहर निकल जाएंगे जो ग्रेन्स हमें चाहिए बिकॉज दे आर ड्राइड नाउ सो दिस इज अनदर वे दैट इज गेटिंग इट क्रश्ड बाय एनिमल्स नाउ नेक्स्ट इज बाय थ्रेशिंग मशीन अभी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है मैन्युअल बीटिंग में हमेशा उठा उठा के पटकना पड़ता है द नेक्स्ट वन इज इसमें भी एनिमल्स को लेके पहले तो एनिमल्स चाहिए फिर उनको लेके चलाना पड़ता है सो द इजीएस्ट वे इज अ मशीन एंड उसमें इजीली थ्रेशिंग अपने आप मैकेनिकली हो जाता है इसमें ह्यूमन एफर्ट मेहनत थोड़ी कम लगती है इसका थ्रेशिंग का हम वीडियो uh, अभी देखते हैं सो दिस इज द फर्स्ट वे जहां पे की एनिमल के फीट के नीचे थ्रेशिंग हो रहा है सो दैट दीड कम आउट द नेक्स्ट वे इज हाउ दिस लेडी इज डूइंग शी इज बीटिंग दिज ग्रेन्स सो दैट दे कम आउट ऑफ द स्टॉक स्टॉक मतलब की ये सूखा हुआ जो ग्रेन्स का स्टेम uh, होता है ना नेक्स्ट वे इज बाय द थ्रेशिंग मशीन ये एक थ्रेशिंग मशीन है यहां से ये ग्रेन्स इजिली बाहर निकल जाएंगे और इसमें ह्यूमन एफर्ट ह्यूम का एफर्ट थोड़ा कम लगता है सो वी स्टडी द थ्री टाइप्स ऑफ थ्रेशिंग